एक क्वेश्चन जो बार बार मुझे पूछा जाता है और वो ये है कि हाउ डू यू मैनेज इंटरनल पॉलिटिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एस्पेशली एट द सेकेंड लाइन लीडरशिप, सेकेंड लाइन में पॉलिटिक्स। मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स जो है सिर्फ एक सेकेंड लाइन में ही होता है। पॉलिटिक्स मालिक खेलता है, लीडर्स खेलते हैं, मैनेजर्स खेलते हैं। लोग पॉलिटिक्स क्यों खेलते हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक, मेरी बहुत सारी कमजोरियां हैं, मेरी बहुत सारी कैपेबिलिटी मिसिंग है और मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं प्रोड्यूस करूँ, परफॉर्म करूँ, लेकिन मैं तो नहीं परफॉर्म कर सकता उस लेवल पे जिस लेवल पे मेरे बॉस लोग और कंपनी चाहती है, क्योंकि मेरे पास वो क्षमता या वो नॉलेज या वो एटीट्यूड या वो स्किल या वो आदतें या स्ट्रेटजी या क्रिएटिविटी नहीं है। तो मेरे को ये छुपाना तो है, तो छुपाने के लिए मैं पॉलिटिक्स खेलता हूँ। पॉलिटिक्स का खेलने का मतलब है कि हम बोलते हैं कि मैं परफॉर्म नहीं कर सका क्योंकि कंपनी में अभी वो एनवायरनमेंट नहीं है, कंपनी में बहुत हलचल मची हुई है, कंपनी के लीडर लोग सही नहीं है, मेरे को आजकल काम करने का दिल नहीं करता। ये सब डायलॉग बाजी आदमी मारता है ताकि वो अपने नॉन परफॉर्मेंस से लोगों की नज़र को हटा सके। तो ये एक जो है पॉलिटिक्स तो है। दूसरी बात जो हम ये कर सकते हैं कि जो भी ये पॉलिटिक्स खेल रहा है या वो जो लूज टॉक्स दे रहा है या वो इंजीनियर कर रहा है, इसको गलतफहमी दे रहा है, उसको गलतफहमी दे रहा है, तो उस आदमी को बुलाना है और उसको बिठाना है और उसको पर्सनली कन्फ्रंट करना है। उसको कन्फ्रंट करने के बाद कि तू ये कर रहा है और जिससे कि हमारा कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा बिगड़ रहा है, तू ही बता, तू ये कर रहा है इसकी वजह से हमारी कंपनी का जो एक पीस है वो बिगड़ रहा है, तो तू बता इसको कैसे हैंडल करेंगे और ये तेरे हिसाब से राइट है कि रॉन्ग है। पॉलिटिक्स को दबाया नहीं जा सकता है और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तो दिस इज अनदर वे टू हैंडल द एंटायर पॉलिटिक्स। तीसरा, आप ओपनली चर्चा कीजिए कि ये कंपनी में पॉलिटिक्स है, ये इस तरह से ये आदमी को नहीं देखना चाहता, ये आदमी इसके साथ इसका 36 का आंकड़ा है, ये ओपन फोरम में लाइए और ओपन फोरम में उनको साथ मिलाइए, उनके गले मिलवाइए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट होवे नहीं। जो चौथी जो बात मेरे को नज़र आता है, ये जो लोग पॉलिटिक्स भी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ मालिक लोग जो होते हैं, ओनर्स जो है, ये खुद ही खबरी रखते हैं। वो सब जगह पे आदमी खबरी रखते हैं और ये खबरी जो है वो दिल के करीब आ जाता है मालिक का और वो खबर देते रहता है और खबर देने की वजह से वो अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लेता है। वो एम्प्लॉय खबर देने की वजह से अगर वो काम भी नहीं कर रहा है तो भी मालिक उसको निकालता नहीं है। दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ अ पॉलिटिक्स वेयर मालिक खुद इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स खेलने में। सो पॉलिटिक्स इज, जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ पॉलिटिक्स है। आपके घर में 5 आदमी है तो उधर भी पॉलिटिक्स है, 10 आदमी है जॉइंट फैमिली है तो उधर भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इज देयर एवरीवेयर, जहाँ पर भी पीपल है। उसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसे मिनिमाइज किया जा सकता, उसे कम किया जा सकता है बाई एंगेजिंग इन कॉन्वर्जेशन। और पॉलिटिक्स लोग इसलिए भी खेलते हैं ताकि पावर गेन करने के लिए। जैसे मैं अपने नीचे वाले को नहीं सिखाऊंगा ताकि मेरा पावर बना रहे, ताकि वो मेरे पास बार बार आते रहे। अब मैं उसको नहीं सिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, तो आपको मेरे साथ बैठना चाहिए और वो मेरे जूनियर के साथ भी बैठना चाहिए और इसके ऊपर ओपनली बात करना चाहिए कि आप इसको क्यों नहीं सिखा रहेंगे, कैसे सिखाएंगे। ये सब बातें करने से मैं जो पॉलिटिक्स खेल रहा हूँ वो खेलने का मेरे को मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप मेरे को कंप्लीटली नज़र में, आप मेरे को नज़र में रखे हुए हैं एंड देयरफॉर मैं खुल के उतना पॉलिटिक्स खेल नहीं पा रहा हूँ। तो हाउ टू मैनेज इंटरनल पॉलिटिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एस्पेशली एट द सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप। हर आदमी अपना पोजिशन को सिक्योर करने के लिए, अपना कंटिन्यूटी बना के रखने के लिए, अपनी लाइफ यहाँ पर ठीक चलते रहे,
इसके लिए वो पॉलिटिक्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपने ईआरपी या कोई भी नया एचआरएमएस सिस्टम या कोई भी ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम या परचेस का सिस्टम आपने डालने चालू किया और मैं उसका एक डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आवे, तो मैं दूसरे के पास जाके बोलूँगा तुझे क्या लगता है ये सही चल रहा है, तुझे नहीं लगता है हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तुझे नहीं लगता है कि अपने को इसके ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी, तुझे नहीं लगता है। तो एक साइलेंट नॉन कोऑपरेशन, मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया, आपने और 10 जन को इन्फ्लुएंस किया, हम 10 जन मिलकर साइलेंट हम एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हैं। ये बात आपको समझते हुए, आपको ये बात समझा है, ये आपको बताना है और कन्फ्रंट करना है एम्प्लॉयज़ के साथ। आपको डरना नहीं है, पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है, गुड पॉलिटिक्स इज ऑल्सो देयर, बैड पॉलिटिक्स इज देयर। गुड पॉलिटिक्स जो है, जैसे आपने मैंने एक दूसरे आदमी के कान को भरा ताकि वो दूसरे का कान भरे और वो अच्छा काम करे, ये गुड पॉलिटिक्स हो सकता है। लेकिन बैड पॉलिटिक्स से मैंने किसी से कान भरा और अल्टीमेटली काम जो है ठप हो गया, काम रुक गया, काम आगे नहीं बढ़ रहा, ये बैड पॉलिटिक्स है। तो हमें सेंस करना चाहिए, हमारी एक सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, सेंसिंग मशीन होनी चाहिए, यू नो, हमको कंटिन्यूसली अनुमान लगाते रहना है, कंटिन्यूसली हमें घूमते रहना है, स्टडी करते रहना है, और इससे हम पॉलिटिक्स को कम कर पाएंगे। दूसरी बात, लोगों को पर्पस के साथ अलाइन कीजिए। बड़ा पर्पस के साथ अलाइन करेंगे तो वो पर्पस के साथ जुड़ जाने से उसके पास उसका पूरा टेम्परमेंट बदल जाता है, वो वो फोकस कंपनी के पर्पस के लिए जीता है तो उसका पूरा टेम्परमेंट और सोच और समझ और काम करने का तरीका बदल सकता है। इसकी वजह से भी अपना पॉलिटिक्स को कम किया जा सकता है। तीसरा नेक्स्ट और जो बातें हैं, उसको डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का मौका दिया जाए, उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए और ताकि वो कंपनी में इन्वॉल्व फील करे। पॉलिटिक्स आदमी इसलिए भी खेलता है क्योंकि उसे इग्नोर किया गया है, उसे देख नहीं रहे हो, तो उसे तुम उसकी सराहना नहीं कर रहे हो, उसको एनकरेज नहीं कर रहे, उसको एक कॉर्नर में बिठा दिया, तो वो अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए भी पॉलिटिक्स खेलता है। तो पॉलिटिक्स खेलने के कई रीजंस हैं और इसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इसे पूरी तरीके से एलिमिनेट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। गुड पॉलिटिक्स इज ऑलवेज गुड, बैड पॉलिटिक्स को कन्फ्रंट करना चाहिए, यही मेरा आपसे एडवाइस रहेगा। All the very best and thank you very much. This is Tiger Santosh Nair, Chairman of Smart Training and Consultancy Services Private Limited. All the best and good luck.